विश्व के सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था बीएनआई के डायनामिक चैप्टर ने मनाया ग्रैंड विजिटर डे। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। बीएनआई पूरे विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी बिजनेस रेफरल संस्था है, जिसमें अब तक पूरे विश्व में 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं और वे एक दूसरे की मदद करके अपने व्यवसाय को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि जब से बीएनआई की इकाई भिलाई में आई है, तब से अब तक इनके 4 चैप्टर तैयार हो चुके हैं। गुरुवार को बीएनआई के 4th चैप्टर डायनामिक ने ग्रैंड विजिटर्स डे मनाया, जिसके तहत इस वर्कशॉप में लगभग 70 विजिटर्स को शुरुआती दौर में बिजनेस भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए विजिटर्स ने बीएनआई संस्था का हृदय से आभार जताया है। इस संस्था से जुड़कर सबसे ज्यादा रेफरल देने वाले लोगों और बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। आगे बीएनआई संस्था की लगातार यह कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को इससे जोड़कर व्यापार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया जाए। बीएनआई के पदाधिकारियों ने संस्था का संक्षिप्त विवरण देते हुए डायनामिक चैप्टर द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को दी। सर, आप लोग भी हमारे साथ में थे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। एक्चुअली हमारा जो चैप्टर था कोरोना काल में लॉन्च हुआ था और ये हमने अभी 1 महीने से ही हमने इन पर्सन मीटिंग में आए हैं, जो कि ऑफलाइन मीटिंग हम कर रहे हैं। इधर देखिए, हाँ, कैसा लग रहा है मीटिंग का? बीएनआई का बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर। पिछले 1.5 साल से मैं सदस्य हूँ बीएनआई का और अभी पिछले 6 महीने से मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी करवाना होता है, मैं चैप्टर में मेम्बर्स के साथ में उसमें आगे बढ़ के हम साथ में खड़े होते हैं। बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा सर बीएनआई में जुड़ने के बाद? सर, बिजनेस में बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म है। बीएनआई के बारे में तो खैर सभी ने बोला भी होगा, लेकिन मेरा ये सोचना है सर, ये एक रेफरल बिजनेस प्लेटफॉर्म है सर, जिसके माध्यम से एक ट्रस्ट बिल्ट होता है एक दूसरे मेंबर्स के प्रति, एक विश्वास पैदा होता है बिजनेस करने में। मेरा नाम डीवीआर नायडू है और मैं डायनामिक चैप्टर से हूँ, अभी फिलहाल प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। बीएनआई का जो फुल फॉर्म था जब कंपनी चालू हुई थी, तो बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल के रूप से उसको चालू किया गया था और आज ये एक अलग ही लेवल का संस्था बन गया, जो हमारा बेस रूट का जो फिलॉसफी है उसको ही आगे इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि गिवर्स गेन, जो नेमा जी ने जैसे बताया, ये बहुत पावरफुल टूल है। ये जब हम अगर 10 लोग मिलकर के बिजनेस लेने बैठते हैं तो हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटी होता है। बिजनेस का सिंपल फंडा है मोर अपॉर्चुनिटी मोर बिजनेस, और वही जब 10 लोग बिजनेस देने बैठते हैं तो 90 अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो ये सबसे पावरफुल टूल है और ये जैसे बढ़ेगा 20, 30, 40, 50, तो ये 50 जैसे होगा तो 2500 अपॉर्चुनिटी एक बार में। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका सबसे स्ट्रेंथ का रीज़न है। आज क्या खास था? आज की खासियत अच्छी थी कि ये लोगों का एफर्ट्स था, जिस तरीके से अच्छे विजिटर्स आए, विजिटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। आज की मीटिंग का एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा था, लोगों ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया। होप करता हूँ कि दूसरा जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, आज जो नए विजिटर्स आए थे उनको बिजनेस मिला यहाँ से, ये सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि विजिटर्स यहाँ पे आए थे प्रोग्राम को देखने के लिए, उनको बिजनेस मिला, रेफरल मिला। सो मैं समझता हूँ ये इस मीटिंग का सबसे मेमोरेबल एक चीज़ था। मेरा नाम पी गणेशन आचार्य है, मैं इस रीजन का डायरेक्टर कंसल्टेंट। बीएनआई एक ग्लोबल संस्था है, ये विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी और सबसे सफल बिजनेस रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे लोग ना देने की बात करते हैं, गिवर्स गेन हमारी फिलॉसफी है। गिवर्स गेन फिलॉसफी के बेसिस पे हम मेंबर्स एक दूसरे को मदद करते हैं उनके व्यापार को अगले पड़ाव तक या नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, और ये माध्यम केवल गिविंग का है। बीएनआई, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कि 74 देशों में 2,87,000 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स हैं, और अगर मैं भारत की बात करूँ तो 113 शहरों में हैं और 42,000 के करीब करीब यहाँ पे मेंबर्स हैं। अगर सिर्फ भारत की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार पिछले 1 साल में भारत के मेंबरों ने किया, और अगर विश्व की बात करूँ तो पिछले 1 साल में 1,14,000 करोड़ का व्यापार बीएनआई के मेंबर्स ने किया। तो ये है पावर गिवर्स गेन की, ये है पावर मेंबर्स यहाँ पे एक दूसरे की मदद उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए। सर, ये आप पावर की बात कर रहे हैं कि गिवर्स गेन, अगर कोरोना काल की बात करें, सारे व्यापारी ध्वस्त हो चुके थे, जो आपकी संस्था से जुड़े उनको क्या लाभ हुआ?
मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ा लाभ ये था कि कोरोना के समय सब अपने व्यापार बंद करके घर में आराम कर रहे थे और दुखी थे कि कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक तो सबसे बड़ी बात है कि BNI अपने आप को प्रोएक्टिवली हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं। तो कोरोना के समय हम मालूम में था हम मिल नहीं सकते, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग के प्लेटफॉर्म के जरिए मीटिंग्स करना और एक दूसरे से व्यापार की चर्चा करना बंद नहीं किया, नए नए तरीके नए नए आयामों पर चर्चा किया। और उस समय जब कोई व्यापार नहीं कर रहा था तब BNI के हमारे मेंबर्स व्यापार कर रहे थे। अगर मैं उस समय की बात करूं तो केवल मार्च महीने 2021 की बात करूं, जबकि कोरोना सबसे हाईएस्ट पीक में था, 10,000 करोड़ का व्यापार BNI के मेंबर्स ने किया था। और अगर मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो कोरोना काल 2021 की ज़्यादा पीछे की बात नहीं करूं, 2021 में अकेले BNI मेंबर्स भिलाई दुर्ग के मेंबर्स ने मिल के करीब करीब 12 करोड़ का व्यापार किया। अब ये सोचो कि उस समय जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था तब हम लोग व्यापार कर रहे थे। हमारे इसमें संतोष जी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी ये है कि हम रुकते नहीं हैं, सिचुएशन कैसी भी हो और कितना भी बदतर परिस्थितियाँ पैंडमिक आए, हमको उसमें से रास्ता निकालना है। ये है ताकत जब बहुत सारे बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ मिल के खड़े होते हैं और स्थितियों से हार नहीं मानते, रास्ते निकालने की बात, ये है BNI। हे एवरीबॉडी, माय सेल्फ प्रमोद सेठिया, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आई एम सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ डायनेमिक चैप्टर। BNI का एक सबसे बड़ा रेफरल मुझे मिला था, सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है जो कि नेहरू नगर में बन रही है, उसका रेफरल मुझे मिला और आज मैं वहाँ का पूरा प्रोजेक्ट का हैंडल कर रहा हूँ एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, जो मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। डायनेमिक चैप्टर में आपका क्या रोल है? डायनेमिक चैप्टर में मैं सपोर्ट डायरेक्टर हूँ और मेरा ये देखना होता है कि जो भी BNI के सिस्टम्स हैं, जो भी उसके रूल्स हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो प्रॉपर फॉलो। क्या कोर हैं BNI के? कोर वैल्यू 7 कोर वैल्यूज हैं सर हमारे, गिवर्स गेन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। मेरा नाम सुधींद्र राव है और मैं BNI डायनेमिक का सपोर्ट एम्बेसडर हूँ। सपोर्ट एम्बेसडर एक्चुअली चैप्टर के ऑपरेशंस में हेल्प करता है, और चूंकि ये चैप्टर नया है और वो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, तो ऑनलाइन में क्या किस तरह यूज़ करना है और ज़्यादातर मेंबर्स कैसे लाएँ, उसके लिए सपोर्ट हेल्प करता है। कितना समय हुआ आपको जुड़े हुए BNI से? मेरे को जुड़े हुए करीब 2.5 साल हो गए हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं 2.5 साल पहले में और अब में? सर 2.5 साल पहले जब हमने बिज़नेस नया नया शुरू किया था तो क्या होता है, नेटवर्क नहीं होता, बिज़नेस नेटवर्क में हमारी ज़्यादा पहचान नहीं होती है, तो BNI उस मामले में बहुत हेल्प कर रहा है। अच्छे कनेक्शंस हो जाते हैं आपके बिज़नेस नेटवर्क में, लोग आपको जाने लगते हैं, वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जो रेफरल्स के थ्रू जो बिज़नेस ग्रो होती है वो तो है ही। आज की मीटिंग का कुछ खास? आज की मीटिंग में हम लोग बिकॉज BNI डायनेमिक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर नया आ रहा है, तो उसके लिए ये मीटिंग बहुत बड़ा बूस्ट का हेल्प करेगा। एक अच्छे से फ्रेटर्निटी बिजनेस फ्रेटर्निटी में लोगों को मालूम चलेगा कि BNI डायनेमिक भी उभरता हुआ चैप्टर है और आ गया है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज करीब करीब 50 विजिटर आए थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा चैप्टर का एक अच्छा खासा जंप मिलेगा नए मेंबर्स के लिए। BNI के चैप्टर से जुड़े हुए व्यापारियों द्वारा कोरोना काल के दौरान भी सबसे ज्यादा व्यवसाय घर बैठे किया गया। यही कारण है कि इस विश्व स्तरीय संस्था से जुड़ने के लिए सभी व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यशालाओं में उपस्थित होकर BNI का दामन थाम रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।